अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MNSUAM की तमाम डिटेल शेयर करूँगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। इस वीडियो को आखिर तक देखें और रहनुमाई हासिल करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। तो बेल आइकन पर क्लिक कर दिया करें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मौसूल हो जाया करें जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं। सबसे पहले आपको MNSUAM के बारे में बताएंगे। MNSUAM स्टैंड फॉर मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन मुल्तान। इट वाज एस्टैब्लिश इन 2012 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये यूनिवर्सिटी HEC एंड NTC से रिकॉग्नाइज शुदा है। इसके वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ अली साहब हैं। अब इस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड शॉर्ट कोर्सेज ऑफर करवाती है। अब आपको इस यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज के बारे में बताएंगे। इसमें फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर बायो सिस्टम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग इसमें शामिल हैं। अब अगर इस यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ सोयल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज शामिल हैं। अब इस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपने पाकिस्तान एजुकेशन से मंजूर शुदा बोर्ड से डिग्री हासिल की हो और आपके प्रीवियस स्टडी में 70% से अबव मार्क्स होने जरूरी हैं। अब इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात करते हैं तो आप दो तरीके से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, फर्स्ट ऑफलाइन एंड सेकंड ऑनलाइन। ऑफलाइन तो आपको फिजिकली इस यूनिवर्सिटी में जाकर अपने फॉर्म सबमिट करवाने होंगे। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप MNSUAM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां पर इनके फॉर्म मौजूद हैं, आप इनको फिल करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका एंट्री टेस्ट लिया जाएगा, देन आपके प्रीवियस मार्क्स और इस टेस्ट के मार्क्स पर आपका मेरिट बनेगा। जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट पर नाम आएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब आपको इस यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। इस यूनिवर्सिटी में हर कोर्स का फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर आपको किसी भी कोर्स का फीस स्ट्रक्चर जानना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी के डिग्री स्कोप के बारे में अगर बात की जाए तो ये यूनिवर्सिटी FSC प्री एग्रीकल्चर, BS BSc, MS MSc ऑन्स, PhD डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करवाती है, जिनमें एग्रोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी जैसे प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जाते हैं। आप इन कोर्सेज में महारत हासिल करके अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, और अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं, ख्वाह वो गवर्नमेंट का है या प्राइवेट, उसमें भी आपको इजीली जॉब मिल सकती है। मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक शेयर करें। शुक्रिया।